नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय डिमरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनर डिमरी चैनल। अभी बारिश हो रही है, हर जगह हरियाली हो रखी है, हर जगह ग्रीनरी आपको दिखेगी, फूल निकले होंगे, फ्रूट ज्यादा निकलते हैं इस वक्त। बहुतों को इंटरेस्ट नहीं होता या उनका टाइम नहीं होता, फिर भी उनके घर में आप मनी प्लांट का पौधा देखेंगे। और मनी प्लांट कईयों के घर में बहुत अच्छे से ग्रो होता है और कईयों का ग्रो नहीं होता है। आज हम ये जानेंगे कि हम ग्रो कैसे करेंगे उसको। तो ग्रो करने के लिए मैंने 5 बोतल ली है, ये 5 कटिंग ली है मैंने, और इस कटिंग को हम ग्रो करेंगे। ये सारी कटिंग जो ली है इसको ग्रो करेंगे हम। और ग्रो करने के लिए हम, ये हमारे पास यूरिया है, इसमें 40% नाइट्रोजन होता है, और ये DAP है, ये DAP है, इसमें जो है 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। ये NPK है 90-90-90, और ये गौमूत्र है, और एक हम नॉर्मल पानी में, 5 बोतल है नॉर्मल पानी में। एक चीज़ और बता दूं कि ये जो है यूरिया जो है 10 रुपये के जी है, DAP जो है 40 रुपीज़ के जी है, NPK है ये 90 रुपीज़ के जी है, और ये मुझे मिल गया था गौमूत्र, और एक नॉर्मल वाटर में है। तो इस 5 में डालेंगे और देखेंगे कब तक ग्रो होता है। ये आज डेट जो है डेट आप देख रहे होंगे, आज 27 जून है और शाम का हो रहा है 4:25 और इस पे मैंने डेट लिख दी है, वैसे सब में डेट लिख दी है, तो जिसमें जो है वो डाल देंगे। तो ये अपना यूरिया है, तो इसमें हम यूरिया डाल देंगे, लेकिन ज़्यादा दाने नहीं डालने हैं, हमें सिर्फ 4 दाने डालने हैं। ये 4 दाने या 5 दाने आप डाल दीजिए, और एक दाना गिर गया। और इसमें जो है हम ये जो है थोड़ा सा हिला लेंगे, वैसे तो सोल्युबल होता है वो, ये थोड़ा सा हिला के इसमें हम डाल देंगे। और दूसरे में जो है हम ये 4 दाने जो है 4 दाने 5 दाने 5 दाने डाल रहा हूँ मैं, और ये जो हम DAP का डाल देंगे, इसमें DAP लिखा है, और ये इसमें कटिंग डाल देंगे हम। और तीसरे में जो है हम ये NPK है, ये डालेंगे। ये मैं हर 2 दिन में या 3 दिन में पानी चेंज करेंगे, और हर 3 दिन में हम वीडियो में जाएंगे कि किसमें ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो रही है। तो ये NPK डाल दिया हमने इसमें, और ये तो और सोल्युबल होता है, और ये हमने डाल दिया इसमें। और चौथे में जो है हम गौमूत्र डालेंगे, ये जो है गौमूत्र डालेंगे, और इसमें हम ये डाल देंगे, और इसको हम शेडी एरिया में रखना है, हमें धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप जमीन में लगा रहे हैं तो जमीन में वहाँ लगाएं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा ना आती हो। फिलहाल इसको रूम में रख रहे हैं, रूम के लिए कर रहे हैं इसको। अब देखते हैं हम 3 दिन के बाद क्या ग्रोथनेस होती है, क्या बढ़ रहा है पौधा, इसको हम 3 दिन के बाद देखते हैं। दोस्तों आज 30 तारीख हो रही है, आप मोबाइल में देख रहे होंगे, सुबह के 7:30 हो रहे हैं, और हम देखते हैं किसकी ग्रोथ क्या हुई है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो यूरिया में है इसमें जो है लीफ आ गई है छोटी सी, और DAP में भी आ गई है, और गौमूत्र में भी आ गई है, NPK में कुछ रिएक्शन अभी नहीं दिख रहा है इसमें, और नॉर्मल वाटर में भी लीफ आ गई है। और इसको हम बाहर ले जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे पानी पानी हो जाएगा। और इसकी जड़ देखते हैं, रूट्स आई है नहीं आई है, और इसका पानी चेंज करते हैं, और साथ में इसका जो हमने डाल रखा है इसको भी चेंज करते हैं, इसमें दोबारा से नया डालते हैं इसमें। ये देखते हैं यूरिया में जड़ आई है नहीं आई है, अभी नहीं आई है, अभी कहीं दिख नहीं रही है। और इसमें DAP में इसमें भी नहीं दिख रही है, अभी 3 ही दिन हुए हैं तो अभी नहीं आएगी। और ये NPK है, इसमें भी नहीं दिख रही है। अच्छा दोस्तों, NPK में इसलिए हो गया कि यहाँ से कटा हुआ है, इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इसलिए NPK, मेरे को लगा कि NPK इतना अच्छा वो है फिर क्यों नहीं आ पाई, शायद कारण ये होगा। और ये गौमूत्र इसमें भी नहीं है अभी, और ये जो है नॉर्मल वाटर है। और उसमें आप एक कोशिश और करा करें कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है शुरुआत में ना, यहाँ पे ये काई जम जाती है, हल्का सा साफ कर दे शुरुआत में सिर्फ, नहीं तो बाद में जब जड़ आ जाएगी तब मत करना। और बाद में काई नहीं लगती है, लेकिन शुरुआत में काई लग जाती है, तो उसको हल्का सा साफ कर दें यहाँ पे। और इसको पानी को मैं चेंज करता हूँ,
ये दो चार दाने इसमें डाल दीजिए आप, और ये जो है आपका यूरिया का इसमें डाल दीजिए आप, और इसमें आप डीएपी डाल दीजिए दो दाने, दो से चार दाने तक, और इसमें एनपीके डाल दीजिए। इसकी ब्रांच टूट गई, इस कारण थोड़ा सा इसमें ग्रोथ नहीं हो पाई, और इसमें जो है गोमूत्र डाल दीजिए। इसमें पानी कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा इसमें, ये छोटी हो गई है। और इसमें जो है आप गोमूत्र वाले में, और ये जो है नॉर्मल वाटर में। अब हम इसको 4 से 5 दिन के बाद देखते हैं कितनी ग्रोथ होती है इसकी। 3 तारीख है, 3 जुलाई, और ये इसमें जो एनपीके वाला था इसमें जो मेरे टूट गया था तो ये सड़ गया है, तो उसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो ये रेस से बाहर हो जाएगा, और एनपीके भी अच्छा रहता है, तो इसलिए इसको दोबारा से डालता हूँ, इसको डाल देता हूँ दोबारा से, और देखते हैं कैसी ग्रोथ होती है। और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि पांचों में जो है, चाहे वो यूरिया का हो, इसमें देखिए एक लीफ आ रखी है, इसमें भी डीएपी में एक लीफ है, और ये जो है गोमूत्र में है इसकी भी एक लीफ है, ये तो अभी नया डाला मैंने, और ये जो है नॉर्मल वाटर इसमें भी एक लीफ है, यानी कि अभी पाँचों में एक ही जैसी ग्रोथ है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे कि कितने टाइम बाद कोई डिफरेंस आता है या पाँचों बात एक ही है। और एक चीज़ और, आप जो हैं अगर आप सिटी में रहते हैं तो हर 2-3 दिन में पानी का स्प्रे मार दें, क्योंकि पत्तों में क्या है धूल हो जाती है, घर के अंदर भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन हटाता है, और घर में धूल होती है, कंकड़ होते हैं, वो उसे चिपक जाते हैं, तो आप जो हैं इस पर जो है स्प्रे कर दें। मैं तो 7-8 दिन बाद कर रहा हूँ, एक्चुअली में क्या है कि यहाँ उतना पोल्यूशन नहीं है, और ऊपर से अभी आजकल रेनी सीजन चल रहा है तो धूल कम रहती है, तो पत्तों में धूल कम चिपकती है, फिर भी सिटी में धूल ज़्यादा रहती है, तो आप 2-3 दिन में इसमें स्प्रे मार दिया करें, ताकि पत्ती के जो लीफ हैं वो साफ़ रहें, ताकि वो क्लोरोफिल अच्छे से बना सकें। तो देखते हैं कितने दिनों के बाद इसमें कुछ चेंजिंग आता है, यूरिया में, डीएपी में, गोमूत्र में, एनपीके में, या नॉर्मल वाटर में। दोस्तों 7 जुलाई हो रहा है, वेनसडे है आज, और शाम का 7 बज रहा है, और ये देखिए अभी भी सबकी ग्रोथ एक जैसी है, चाहे वो गोमूत्र में है, चाहे वो यूरिया में है, चाहे वो डीएपी में है, चाहे वो नॉर्मल वाटर में, अभी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है जो एनपीके वाला है, इसकी मैंने अभी कल मैंने काट दिया था, इसकी फिर यहाँ से सड़ रही है। एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि जो एनपीके है वो ज़्यादा जा रहा है, इसलिए ये जल जा रहा है पौधा, तो हम एक बार दोबारा से इसको रेस में लाते हैं और इसमें दूसरा प्लांट डालते हैं। इसके लिए मैं लिया है इस प्लांट, तो इसके लिए हम पांचों को चेंज करते हैं। हमें मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, हमें ये देखना है कि इसमें ग्रोथ स्पीड से होती है, तो मैं इस सबका पानी इसमें डालता हूँ, इसका सारा पानी इसमें डाल देता हूँ मैं। दोस्तों अभी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, बल्कि यहाँ से ब्लैक हो रहा है गोमूत्र वाला, और यूरिया वाला नीचे से ठीक है, और डीएपी वाला ठीक है, और नॉर्मल वाटर वाला में जड़ें आने लग गई है, तो इसमें हम दोबारा से पानी डालते हैं। दोबारा से सबका पानी चेंज करते हैं, और दोबारा से उन सब में वही फर्टिलाइजर डालते हैं जिसमें जो है, और इसको थोड़ा सा हिला देंगे, और ये जो है इसमें गोमूत्र वाला डाल देंगे। हालांकि इसकी जड़ें सड़ रही है, ये देख लेते क्या होता है। दूसरा एनपीके वाला है, इसको बाद में करते हैं, पहले हम यूरिया वाला करते हैं। इसमें जो है दाने डालने हैं सिर्फ, और ये जो है 2 दाने जो है ये हम डाल रहे हैं इसमें, और ये 2 दाने डाल दिए, और तीसरा है, थोड़ा सा इसको भी हिला देते हैं, और तीसरा है डीएपी वाला, ये हम डीएपी के 2 दाने डाल देते हैं, ये 2 ही दाने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने, नहीं तो जल जाएगा। ये 2 दाने हम डाल दिए इसमें, बाकी वापस कर दिया, और ये यूरिया वाला जो था हमने ये यहाँ डाल दिया, और
ये जो डीएपी वाला है ये हमने यहाँ डाल दिया, और जो नॉर्मल वाटर वाला है वो हमने यहाँ डाल दिया जिसकी जड़ें अच्छी आ रही है, और बचा हमारे पास एनपीके वाला, और ये एनपीके हम डाल देते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली में इसमें इसलिए जल रहा है कि एनपीके बहुत जल्दी वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, इसलिए वो प्लांट को जला दे रहा है। थोड़ा हिला देते हैं इसको, और इसमें जो है ये जो है हम नया जो हमने दोस्तों देखते हैं किसमें ग्रोथ जल्दी हो रही है। ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किसमें जल्दी ग्रोथ हो सकती है, कौन से फर्टिलाइजर से। सबसे आगे चल रहा है नॉर्मल वाटर, इसमें कुछ नहीं किया है। दोस्तों आज है 13 जुलाई और सबकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। सिर्फ गौमूत्र वाला है इसमें जड़ सड़ रही है और बाकी सबकी ग्रोथ अच्छी है। और एक सरप्राइज मैं देख रहा हूँ कि जो नॉर्मल वाटर है उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। हालांकि यूरिया में भी ग्रोथ है और डीएपी में भी ग्रोथ है। तो अब हम इसका पानी चेंज करते हैं, दोबारा से वही प्रोसेस करते हैं, सबका पानी चेंज करते हैं और सब में फर्टिलाइजर डालते हैं दोबारा से। सबका मैंने पानी चेंज कर दिया है और सब में फर्टिलाइजर डाल दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जिसमें वाटर डाला उसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज हो रही है। आज 19 जुलाई है, मंडे है आज, और शाम का टाइम है। ये देखिए मैंने आज इतने दिन हो गए हैं लेकिन जो ये सारे हैं यूरिया, एनपीके, डीएपी और ये गोमूत्र, गोमूत्र वाला तो बिल्कुल ही मतलब काला पड़ रहा है, तो ये तो रिजेक्टेड हो गया। मतलब जो है इसमें नया वो डाला था उस वक्त वो टूट गया था, तो इसमें भी कोई ग्रो नहीं हुआ, हल्का सा ग्रो हुआ है। ये एनपीके है, इसमें भी देखिए कुछ नहीं हुआ है, सारा ग्रीन ग्रीन हो गया है, और ये भी ठीक नहीं है अगर आप पानी में कर रहे हैं तो। और ये जो है यूरिया है, इसमें कोई कुछ नहीं आया है, लेकिन जो ये नॉर्मल वाटर है टैप का, ये देखिए इसमें कितनी अच्छी जड़ें आ गई है। तो अगर आप पानी में ग्रो करना चाहते हैं ऐसी बोतलों में तो नॉर्मल वाटर ही ठीक है, उसको हर 2 दिन में चेंज कर दीजिए। और बाकी जो ये खाद है इनमें आप मत डालिए, मिट्टी के लिए बेस्ट है। मिट्टी में अगर आप मनी प्लांट लगाना चाहते हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर पानी में डालना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मल वाटर ही ठीक है। तो आप अगर बोतल में कर रहे हैं तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये निकला है पूरे ये वीडियो बनाने में कि आप नॉर्मल वाटर में ही करें। अगर हो सकेगा तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि अगर आप जमीन में मनी प्लांट लगाते हैं तो कौन सा फर्टिलाइजर आपको आपके लिए अच्छा रहेगा कि वो प्लांट मनी प्लांट आपका तेजी से ग्रो हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही नई नई वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।